नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना आपकी दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ नारियल और खोए के रंग बिरंगे लड्डू। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही देखने में कलरफुल दिखाई देंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको किसी भी मौके पर बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत जल्द और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। सबसे पहले तो ये रखा है खोआ, बूरा या आप किसी चीनी कुछ भी ले सकते हैं, नारियल पिसा हुआ, थोड़ी सी छोटी इलायची फ्लेवर के लिए, कुछ कलर्स लिए हैं मैंने इसमें इसे रंग बिरंगा बनाने के लिए, एक खाली बोल जिसमें कि मैं इन सब सामग्रियों को मिलाऊंगी। तो आइए मैं इसको बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये खोआ लिया, ये इसमें मैंने डाल दिया और फिर उसके बाद मैंने ये नारियल है पिसा हुआ या आप बुरादा भी ले सकते हैं, घर में भी आप सूखे उसको गोले को कस के तैयार कर सकते हैं, या चीनी किसी भी ये डाल दी। अब मैं इनको अच्छे से पहले मिक्स करूँगी, फिर इनको कलरफुल बनाने के लिए अलग अलग कलर यूज़ करूँगी। अब मैं इनको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लूँगा इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इस तरह से इनको मिलाती जा रही हूँ, उसको ऐसे कस कस के अच्छे से मिलाना है। कोई भी इसमें बीच में जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी चीनी की गांठ बन जाती है जिससे ही आ रही है, तो मैं इसको ऐसे खोल लूँगी, किसी भी चीज़ की कोई लम्स नज़र नहीं आए बिल्कुल। और ऐसे अच्छे से ऐसे मैश कर करके इसको मिक्स करना है, जिससे खोआ, नारियल और ये बूरा आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए काफ़ी हद तक अभी मिक्स हो गया है और ये लड्डू बनाने के लिए भी प्रिपेयर होता जा रहा है। इस तरह से मलते मलते हमें अंदाजा लग जाता है, इतना चिकना होने लगता है कि इसके आराम से लड्डू बन सकते हैं। ये देखिए हमें समझ में आ रहा है कि लड्डू हमारे बन सकते हैं। तो हमारा इतना तैयार हो गया है। अब मैं इनको तीन अलग अलग प्लेट्स में निकालूंगी कम से कम, क्योंकि मुझे तीन चार कलर का बनाना है। तो मैं इनको अलग अलग कलर्स देने के लिए इसमें कलर मिक्स करूँगी। एक साथ तो सारे कलर मिक्स हो नहीं सकते इसमें, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे अलग अलग प्लेट्स ले लेती हूँ और थोड़ा सा पार्ट इस प्लेट में निकाल लिया, इस तरीके से करके अलग अलग पार्ट्स में मैं इनको डिवाइड कर लेती हूँ और फिर इनमें अलग अलग कलर मिलाऊंगी और उसके बाद फिर इनके लड्डू बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये इस तरीके से थोड़ा सा कलर, हल्का सा, बहुत हल्का डालना है, मतलब करीब अपनी चुटकी भर डालना, बस ज़्यादा नहीं डालना। और यही काफ़ी हद तक देखना भी हो जाएगा, तो फूड कलर है खाने वाला। और इसको आप अच्छे से फिर से मतलब ऐसे मैश कर दीजिए, जितना ज़्यादा मैश करेंगे उतना अच्छा मिक्सिंग इसमें होता चला जाएगा। ये देखिए कलर पानी लगाना इसमें इस तरीके से, और हम इसको मैश करते रहेंगे और इस तरीके से सब में कलर अलग अलग में कलर डाल के तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनके लड्डू बना के तैयार करूँगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने इनमें अलग अलग कलर डाल के सब तैयार कर लिया और एक पाइप रख लिया। अब मैं इनके लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। देखिए मेरे बिल्कुल आराम से बन रहे हैं अभी, क्योंकि अच्छे से मैश करा है इनको। आप चाहे तो दो हाथ से ही बना सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको प्रैक्टिस है तो, नहीं तो आप आराम से सिंगल एक हाथ से बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं बन पाए तो थोड़ा सा ऐसे करके भी इसको रोल करके बना सकते हैं, पर मैं तो खैर इसको ऐसे ही बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से लड्डू बना के हम इनको तैयार कर लेंगे अलग अलग कलर के, मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से छोटे 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 हम इनके कलरफुल से लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, और फिर इनके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा के इनको डेकोरेट करके आप शो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे कलरफुल लड्डू, देखिए कितने अच्छे लगते हैं कलरफुल। जब आप किसी के सामने देते हैं रंग बिरंगे लड्डू और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी नजर आएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, हमारे ये कलरफुल रंग बिरंगे लड्डू तैयार हैं। आप जानते हैं मुझे इसको प्रिपेयर करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगा और मेरी ये स्वीट डिश एकदम से तैयार है। किसी भी मौके पे आप ये बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और खाने में इतने स्वादिष्ट हैं, इतनी यम्मी हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप एक बार इसको बना के जरूर देखिए, टेस्ट करिए, फिर अपने अनुभव मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।